गाइस फिर से एक न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत। तो गाइस आज फिर आप लोगों को खेत का ही वीडियो दिखाने वाला हूं। तो पीछे कभी हुई अंदर जबरदस्त है, आज इन सभी खेतों को जोतना है। तो गाइस देख सकते हो गाइस अभी मैं यहां का वीडियो शूट कर रहा हूं। गाँव में बहुत सारा खेत है अभी जुताई करने का और बचा है। तो गाइस अपन रोज यानी कि कंटिन्यू जोताई का ही काम कर रहे हैं। तो गाइस देख सकते हैं इधर मेरे पीछे में इसको आज जोतना है और इधर का भी साइड खेत है, ये देख सकते हैं ये वाला खेत को अपन कल जोताई किए हैं। तो गाइस अब इसके नीचे से वाला खेत से स्टार्ट करेंगे जुताई करना। तो गाइस आज से ब्लॉक यहीं से शुरुआत करते हैं। तो गाइस आप देख सकते हो मेरे पीछे का व्यू बहुत ही खूबसूरत, अभी रिमझिम फुहारों की बरसात हो रही है। तो आप देख सकते हो इधर मैं पूरा भीग चुका हूँ हल्का हल्का सा और अभी मैं छत्ता ओढ़ के रहने वाला हूँ गाइस। तो आप वीडियो में बने रहिए, रुको जरा सबर करो। देख सकते हो गाइस काफ़ी कीचड़ हुआ हुआ है। इसी प्रकार से अपने बस्तर क्षेत्र में ट्रैक्टर से धान की बुआई किया जाता है। गाइस ये आप देख सकते हो धान पूरा अंकुरित हो चुका है, अभी धान देख सकते हो पूरा वाइट वाइट कलर का दिख रहा है ना, पूरा अंकुरित हो चुका है गाइस। ये आप अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए पास से धान को इसी प्रकार भिगा के रखते हैं और एक दो दिन के बाद ही इस प्रकार होता है। तो गाइस अपन इसे चिकला के ऊपर में फेंकते हैं गाइस, अभी बरसात का सीजन है इसलिए इसको इस प्रकार से भुगा कर बुआई करना पड़ता है। देख सकते हो अपने बस्तर क्षेत्र में गाइस, आप कंटिन्यू वीडियो में बने रहिए और इन्जॉय कीजिए। We'll be right back.
गाइस देख सकते हो इस प्रकार से गौन की बुआई कर रहे हैं छिकला के ऊपर में। गाइस अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और लाइक करना और अपने यार दोस्तों के साथ भी शेयर करना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।